Hello students, welcome back to IIT Manthan. So we will be continuing with a chapter that is how do organisms reproduce. ठीक है, so इस chapter में मैंने already आपको बहुत सारे terms दिए थे. ठीक है, बहुत सारी terminology दी थी पहले ही शुरुआत में ही. ठीक है, hopefully आप लोगों ने वो learn कर लिया होगा, I'm assuming that. And secondly, अगर मैं बात करूँ about the types of reproduction, तो यहाँ पे हमने asexual और sexual reproduction के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे भी आप completed आप asexual reproduction वाला part. ठीक है, सो नाउ कमिंग ऑन टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पे टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड है, मतलब हमें वेरिएशंस भी मिल रही हैं और रिकॉम्बिनेशंस भी मिल रहे हैं. ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे अगर दो पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो दीज आर बेसिकली मेल एंड फीमेल पेरेंट्स. ठीक है, गैमेट प्रोडक्शन हुआ था यहाँ पे, सो गैमेट फॉर्मेशन वॉज देयर एंड गैमेट फॉर्मेशन के बाद दे हैव फ्यूजन ऑफ गैमेट. ठीक है, और गैमेट फ्यूजन के बाद देयर वॉज फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, उसके बाद बनेगा एम्ब्रियो. होपफुली दिस वॉज द थिंग विच यू रिमेंबर. इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए हम पढ़ेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. वी हैव ऑलरेडी रेड दैट पॉलिनेशन इज द वे जहाँ से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है प्लांट्स में, और यहाँ पे इनके पास वेरिएशंस आ सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट कौन से होते हैं. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में होता है, या फिर दिस इज इनटू द सेम प्लांट. ठीक है, कहीं कहीं सिर्फ सिंगल सेक्स अवेलेबल है, दैट इज योर इधर मेल और फीमेल. ठीक है, या फिर किसी में नहीं है, ठीक, जिसमें भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है. नाउ कमिंग ऑन टू दिस, यू हैव फोर वर्ल्ड्स. ठीक है, ये फोर वर्ल्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, अब ये फोर वर्ल्ड्स हैं किसी प्लांट में, सो दिस इज एक्चुअली अ कंप्लीट फ्लावर. ठीक है, अगर इसमें से एक भी एब्सेंट है सो इट इज नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर. ठीक है, होपफुली इट इज क्लियर. कमिंग ऑन टू ये फोर वर्ल्ड्स हैं क्या, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी petals, then you have sepals and your carpel and stamen. यही चीज पढ़ रहे हो अभी बचपन से कि ये फोर वर्ल्ड्स होते हैं. नाउ अंडरस्टैंड इट अ बेटर वे. सो यहाँ पे पेटल्स बेसिकली क्या है, इसमें वेरी फर्स्ट पार्ट इज सेपल्स. ठीक है, अब सेपल्स की अगर मैं बात करूँ तो जो पेटल्स हैं वो सेपल्स के अंदर सेफ है. इफ यू सी इन अ बर्ड फॉर्म, जब रोज होता है, रोज तो सबने देखा होगा. ठीक है, तो रोज हो गया, चाइना रोज हो गया, दीज आर द कॉमन फ्लावर्स विच यू सी. सो यहाँ पे क्या होगा, इन दैट बर्ड सिचुएशन जो उन सारे वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज सेपल. ग्रीन पोर्शन होता है ऊपर का. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द सेपल एंड दीज आर एक्चुअली नोन एज कैलिक्स. ठीक है, तो इनका बायोलॉजिकल टर्म इज कैलिक्स. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे ये बर्ड फॉर्म में क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द पेटल्स, तो पेटल्स के केस में क्या होगा, अगेन दिस इज बेसिकली अ शोई पार्ट. ठीक है, ये वो प्लांट पार्ट है जिसके थ्रू इंसेक्ट अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन. ठीक है, जो भी इंसेक्ट ड्रिवन पॉलिनेशन है. अब यहाँ पे जो पेटल्स क्या है, दीज आर एक्चुअली कलर्ड पार्ट और कलर्ड लीव्स और दिस इज एक्चुअली नोन एज करोला. ठीक है, CORLLA. ठीक, सो दिस इज नोन एज करोला. सो ये तो दो चीज़ें होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल सेपल्स प्रोटेक्शन का काम कर रही है और पेटल्स जो कि
शोई पोर्शन है, ठीक है, फॉर द प्लांट फॉर पॉलिनेशन। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आते हैं ऑन टू कार्पल। कार्पल और यू कैन ऑल्सो से पिस्टल, एंड बेसिकली इट इज नोन एज गाइनोशियम। ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज गाइनोशियम हैविंग। अब यहां पे अगर मैं गाइनोशियम की बात करूं, सो यू हैव स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दिस इज कलेक्टिवली नोन एज पेटल्स, सॉरी पिस्टल। और कार्पल, ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्लांट पार्ट। ठीक है, क्लियर? अब ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट है। अब यहां पे इट इज बेसिकली व्हाट दिस होल कलेक्टिवली इज नोन एज गाइनोशियम। क्लियर? सो इधर क्या हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज योर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और इसको कलेक्टिवली इट इज नोन एज द होल स्ट्रक्चर, ठीक है, इज नोन एज पिस्टल और कार्पल। होप यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, समवट लाइक दिस इट इज। ठीक है, your stigma, style, this stalk is style, style, और यह है ovary। Clear? This is your female reproductive part. Now coming on to the male reproductive part. In male reproductive part, we have already seen that it is stamen. Stamen basically क्या होता है, it is actually anther प्लस फिलामेंट। ठीक है, तो ये क्या है, एंथर प्लस कलेक्टिवली नोन एज स्टेम, दिस इज बेसिकली व्हाट यू कॉल एंड्रोशियम। ठीक है, एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, क्लियर? सो क्या हुआ, फोर वर्ल्ड्स हैं, किसी भी फ्लावर में कोई भी फोर वर्ल्ड्स में से कोई एक भी एब्सेंट होता है, सो इट इज नोन एज एन इनकम्प्लीट फ्लावर। कमिंग ऑन टू, अगर ये चारों वर्ल्ड्स किसी भी फ्लावर में प्रेजेंट है, सो इट इज बेसिकली नोन एज अ कंप्लीट फ्लावर। इसमें क्या होगा आपका, सेपल्स, दैट इज व्हाट, कैलिक्स, करोला, दोज आर द पेटल्स, एंड उसके बाद आते हैं एंडोशियम, गाइनोशियम, द मेन पार्ट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं ये, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो एंथर, बेसिकली एंथर और फिलामेंट इज इक्वल टू स्टेमन। ठीक है, और ये स्टेमन इज इक्वल टू एंडोशियम, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कमिंग ऑन टू स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी इज नोन एज पिस्टल और कार्पल, and it is the female reproductive part, that is gynoecium. Hopefully it is clear. Now you all know कि pollination होता है यहाँ पे sexual reproduction के लिए। ठीक है, so pollination के case में क्या होगा, ये जो anther pollen grain produce कर रहा है, ठीक है, in this case that anther is being transferred to the stigma of other flower. So I'm writing out here. So in case of pollination, what it is, anther produces pollen grain, and these pollen grain are being
transferred to the stigma of another flower or same flower. ठीक है. Now, what is the situation here? पॉलिनेशन के केस में क्या हो रहा है, एंथर जो कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रोड्यूसिंग द पोलन ग्रेन्स. अब ये जो पोलन ग्रेन होती हैं इसमें मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं. यू आर टॉकिंग अबाउट द टू गैमीट्स. ठीक है, ऑपोजिट सेक्स गैमीट. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है दोज विल बी प्रोड्यूसिंग द मेल गैमीट्स. अब ये जो मेल गैमीट है जब इनका ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या फिर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, तो इस केस में क्या होगा, ये जिससे भी कंपैटिबल होंगे. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये स्टिग्मा है. ठीक है, अब यहाँ पे पोलन ग्रेन आया बट इट इज नॉट कंपैटिबल, सो इधर कोई भी पॉलिनेशन नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी मेल गैमीट ट्रांसपोर्ट नहीं होगा टू द व्हाट, ओवरी. ठीक है, टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर एग सेल में. ठीक, अगर ये कॉम्पैटिबल नहीं है तो, इन केस इट इज कॉम्पैटिबल. ठीक है, इनकम्पैटिबल वाली स्थिति में दिस विल बी फॉर्मिंग अ पोलन ट्यूब ओवर हेयर और ये पोलन ट्यूब जाएगी कहाँ तक, ओव्यूल्स तक, विच एक्चुअली हैव योर एग सेल. अब यहाँ पे ये मेल गैमीट ट्रांसपोर्ट होंगे किसमें, टू द एग सेल, और यहाँ पे फ्यूजन ऑफ दिस गैमीट्स विल बी टेकिंग प्लेस. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, पॉलिनेशन हो गया. ठीक है, इट कैन बी ऑफ अ सेम और डिफरेंट फ्लावर. ठीक है, सो यहाँ पे पॉलिनेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया, जो सेपल्स और पेटल्स थे दैट विल विदर ऑफ. ठीक है, एंड बाकी चीजें क्या होंगी, दैट विल बी ट्रांसफॉर्म, द ओवरी विल बी बेसिकली व्हाट, राइपेंड ओवरी इज एक्चुअली द फ्रूट विच इज बींग फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें वैरायटी भी मिल गई है, वेरिएशन भी मिल गई है. पॉसिबिलिटी इज कि पॉलिनेशन अगर सेम प्लांट में हो रहा है सो वी कैन नॉट गेट दोज वेराइटीज, क्योंकि हो सकता है कि सेम स्पीशीज के भी पोलन ग्रेन आ गए हों. बट इफ इट इज समथिंग डिफरेंट वेराइटी की, कहीं से इंसेक्ट ने ट्रांसफर किया है या फिर हवा से आया है. ठीक है, सो इट कैन बी अनदर केस कि जहाँ पे वेरिएशंस मिल सकते हैं. ओके, सो पॉलिनेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप. कौन कौन सी, ठीक, इट इज ऑफ टू टाइप, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज अगेन ऑफ टू टाइप. सेल्फ पॉलिनेशन में सेम प्लांट यूज हो रहा है या फिर सेम स्पीशीज की बात कह सकते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, तो इधर हमें ज्यादा वेराइटीज मिलने के चांसेस नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, इफ यू टॉक अबाउट दिस सेल्फ पॉलिनेशन में, तो यहां पे अगेन इट इज ऑफ टू टाइप, दैट इज एक तो है ऑटोगैमी. ठीक है, एक है गिटोनोगैमी. ठीक है, व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज कि सेल्फ पॉलिनेशन के केस में इधर इट इज ऑफ द सेम फ्लावर और द सेम प्लांट और द सेम स्पीशीज. ठीक है, एक ही फ्लावर है जिसमें क्या प्रेजेंट है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है. जब वो बड स्टेज में होंगे, ठीक है, जब वो क्लोज स्टेज में होंगे तब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन दैट इज ऑटोगैमी इज पॉसिबल. यहाँ पे दे आरंट यूजिंग डिफरेंट फ्लावर. ठीक है, वो एक ही फ्लावर में हो रहा है लेकिन दैट विल बी कि वो कहीं और से पॉलिनेट नहीं होगा,
सेम एंथर जो सेम प्लांट में प्रेजेंट होगा, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, ठीक है, ये एंथर, ये तुम्हारा स्टिग्मा है, ठीक, ये एंथर है। अब ये कुछ क्लोज स्टेज में है, तो इनमें क्या होगा कि यहाँ पे ये खुद पॉलिनेशन कर लेंगे, लेकिन अंटिल एंड अनलेस दे आर नॉट बीइंग यू नो गिवन द पोलन ग्रेन ऑफ एनी अदर स्पीशीज, तो दिस इज एक्चुअली ऑटोगैमी, ठीक है, सेल्फ। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी के सिचुएशन में क्या है, दो चीजें यूज होती हैं, यहाँ पे एक फ्लावर यहाँ पे है और एक फ्लावर यहाँ पे है, सो द पोलन ग्रेन विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस टू दिस, ईदर दे कैन हैव द सेम स्पीशीज, मतलब ये प्लांट है और ये प्लांट है लेकिन दे हैव द सेम स्पीशीज, तो अगर यहां से भी यहां पे जाएगी तो दे विल नॉट हैव वेरिएशंस, ठीक है, सो क्या हो गया, दैट टू इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, क्लियर है। कमिंग ऑन टू क्रॉस पॉलिनेशन, इट्स वेरी क्लियर, ईदर दे कैन हैव द डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, जहां पे पॉलिनेशन होगा और उनका पोलन ग्रेन इज कंपैटिबल विद द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है, तो यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सम अदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज, जहां पे हमें वेरिएशंस मिल सकते हैं। होपफुली इट इज क्लियर, देयर इज नो प्रॉब्लम टिल दिस। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, ओके, आई विल बी गिविंग यू डिफरेंशिएशन बिटवीन पोलन, सॉरी, योर क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, सो लेट मी गो थ्रू इट, आई एम राइटिंग दैट फॉर यू। सो नाउ यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो यहाँ पे एक डिफरेंस है बिटवीन दिस क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, एम्पल अमाउंट ऑफ लाइन्स यू कैन हैव ऑन दिस। सो कमिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, आई एम रीडिंग दिस आउट फॉर यू, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर बॉर्न ऑन द सेम प्लांट। अभी हमने पढ़ा था अबाउट ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी, ठीक है, तो मतलब अगर गिटोनोगैमी की बात है तो यहाँ पे क्या है, ये दो फ्लावर्स हैं और इनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है सेम प्लांट में है, या फिर एक फ्लावर है इसमें मेल और फीमेल पार्ट है और यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, सो दिस इज ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी, क्लियर है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन के पार्ट में क्या होगा, पोलन ग्रेन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बॉर्न ऑन अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। अगेन आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे हमें चाहिए होता है कि क्या कंपैटिबल हो, ठीक है, जब दो गैमेट फ्यूज होंगे सो दे शुड बी कंपैटिबल विद ईच अदर ताकि वो फ्यूजन हो सके और फर्दर फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट यू हैव इज कि ये जो पोलन ग्रेन है सेम स्पीशीज की होगी सो फर्टिलाइजेशन विल बी ओके, क्लियर है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम, क्योंकि अब अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो सेल्फ पॉलिनेशन के केस में क्या होगा, एंथर और स्टिग्मा का सेम टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर मेच्योरिटी पीरियड में डिफरेंसेस आएंगे तो क्या होगा, कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है, और दूसरी चीज कि एक फर्टाइल हुआ ही नहीं है फॉर रिप्रोडक्शन और अनदर इज मेच्योर इनफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जरूरत है कि दोनों सेम टाइम पे मेच्योर करेंगे, कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। बट कमिंग ऑन टू द क्रॉस पॉलिनेशन वाला थिंग, तो यहाँ पे जनरली ये मेच्योर होते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है, सो एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर जनरली मेच्योर एट डिफरेंट टाइम, क्योंकि यहाँ दूसरे प्लांट में जाना होता है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है एंथर पहले मेच्योर हो गया और एंथर से पोलन ग्रेन उठ के चले जाते हैं किस पे, थ्रू इंसेक्ट या फिर विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू टू द अनदर प्लांट पार्ट जहाँ पे स्टिग्मा मेच्योर हो और एंथर मेच्योर ना हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर इवन वेन द फ्लावर इज क्लोज, तो यहाँ पे क्योंकि ताकि यहाँ पे ना किसी भी तरीके का कोई कॉन्टामिनेशन ना हो जाए कि किसी और तरह के वेरिएशंस ना फॉर्म हो जाए, तो यहाँ पे क्लोज्ड फ्लावर में भी ये सिचुएशन हो सकती है, सो दे कैन सेल्फ पॉलिनेट, ठीक है,
क्योंकि अदरवाइज उसके बाद जब भी होगा तो दे कैन हैव अ कॉन्टेमिनेशन ऑफ अनदर पोलन ग्रेन, ठीक है? तो और पॉसिबिलिटी है कि अगर फीजेबल हुआ तो, कंपैटिबल हुआ तो. कमिंग ऑन टू द क्रॉस पोलिनेशन, तो इस केस में क्या होता है, दिस ओनली अगर्स व्हेन द फ्लावर आर ओपन, ठीक है, क्योंकि बाहर से पोलन ग्रेन आने होते हैं. होपफुली इट इज क्लियर. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू सेल्फ पोलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, लास्ट पार्ट, ठीक. सेल्फ पोलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट वेयर इन टू क्रॉस पोलिनेशन एक्सटर्नल एजेंट्स आर रिक्वायर्ड. अब एक्सटर्नल एजेंट क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है. सेल्फ पोलिनेशन का मतलब तुम समझ गए, पोलन ग्रेन्स का सेम फ्लावर में ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू वन फ्लावर टू अनदर, या फिर सेम फ्लावर में. तो एज सच वहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट किसी और की जरूरत ही नहीं है कि पोलिनेशन करवाए. बट इन कमिंग ऑन टू क्रॉस पोलिनेशन, यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स चाहिए होते हैं. व्हाट आर दीज बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स? नाउ बायोटिक फैक्टर्स आर द लिविंग फैक्टर्स, ठीक है, जैसे इंसेक्ट हो गया, एनिमल्स हो गए, तो ये तुम्हारे बायोटिक फैक्टर है. लेकिन एबायोटिक फैक्टर जिनके बगैर बायोटिक फैक्टर्स रह नहीं सकते, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है. सो दीज आर द एबायोटिक फैक्टर्स. तो यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स की रिक्वायर होगी क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर करवाना है टू द अनदर प्लांट. क्लियर है? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, मैंने एक तरफ ये कह रहे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स थे इसमें देने को, सो आई हैव डन दिस. सो नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट. अब ये वाला पार्ट पोर्शन खत्म हो जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन. इट इज इकोनॉमिकल फॉर द प्लांट, ठीक है. एंड क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, इट इज नॉट इकोनॉमिकल टू द प्लांट. अब यहाँ पे इकोनॉमिकल क्या, पैसे वैसे तो मिल नहीं रहे हैं, ठीक है. यहाँ इकोनॉमिकल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप क्रॉस पॉलिनेशन में बात करो, सो दीज प्लांट एक्चुअली हैव टू यू नो प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ नेक्टर, ठीक है, और बहुत ही शोई सेंट अपना वो करना होता है, एक्सक्रीट करना होता है, प्लस बहुत ही शोई होना होता है. तो यहाँ पे फॉर अट्रैक्टिंग दीज इंसेक्ट, उनको नेक्टर और सेंट की ज़रूरत पड़ती है. प्लस मोर अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड हेयर, और जो वेस्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होंगे. तो अगर हवा से हुए या फिर किसी इंसेक्ट से हुए तो क्या होगा कि वो बहुत सारे रास्ते में ही ख़राब हो जाते हैं, दे डिड नॉट गेट देयर डेस्टिनेशन, ठीक है. सो इस केस में इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है, दे हैव जस्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस टू कवर, ऊपर से गिरे और नीचे आ गए स्टिग्मा पे, ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो यहाँ पे इकोनॉमिकल बेनिफिट सेल्फ पोलिनेशन में है लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में नहीं है, क्योंकि मोर ऑफ पोलन ग्रेन विल बी प्रोड्यूस, सेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है, नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ता है, तब जाके कहीं पोलिनेशन होता है. क्लियर है? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू दिस एसपी इज एक्चुअली सेल्फ पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन अल्टीमेटली रिजल्ट इन द प्रोजेनी विच आर द प्योर लाइन्स और होमोजेनस, ठीक है. अब यहाँ पे होमोजेनस की बात क्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएशंस नहीं आ पाएंगे, ठीक है, बिकॉज कहीं आउटर चीजें तो हम ला ही नहीं रहे हैं. क्या हो रहा है, पेरेंट से पेरेंट में ही पोलिनेशन इंटरनली होता जा रहा है, ठीक है. अब इंटरनली पोलिनेशन में क्या होगा कि यहाँ पे हमें प्योर लाइन्स मिलेंगी, मतलब सारी चीज़ें सेम होंगी, इट इज होमोजाइगस. बट कमिंग ऑन टू द क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन प्रोड्यूसेस द ऑफस्प्रिंग विच आर हाइब्रिड्स, दैट इज हेट्रोजाइगस, ठीक है. तो यहाँ पे हम हाइब्रिड प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेरिएशंस और रिकॉम्बिनेशंस आएंगे. क्लियर है? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू सेल्फ पोलिनेशन कैन नॉट एलिमिनेट यूजलेस एंड हार्मफुल कैरेक्टर्स. ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि दे डोंट हैव एनीथिंग फॉर दिस, सो यहाँ पे दे कैन नॉट एलिमिनेट देयर यूजलेस और हार्मफुल कैरेक्टर्स, ठीक है. बट कमिंग ऑन टू द क्रॉस पोलिनेशन, तो क्रॉस पोलिनेशन कैन एलिमिनेट यूजलेस एंड हार्मफुल कैरेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है वेरिएशंस किसी दूसरे प्लांट से आ रही है. से फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है दे हैव सम काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है. सो अगर आपके फादर की तरफ, ठीक है, सो वहाँ पे कोई डिजीज़ कंटिन्यू हो रही है जनरेशन टिल जनरेशन, ठीक है, तो उनका क्या होगा कि वो डिजीज़ ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है कि आपकी जनरेशन में भी होगी, ठीक. बट ओवर हेयर वी गेट व्हाट, वेरिएशन.
सो द मदर कम्स फ्रॉम अनदर फैमिली. अब उनकी फैमिली में ना ही कोई कैरियर है और ना ही कोई डिजीज्ड है, ठीक है, मतलब ना ही उनको डिजीज है और ना ही वो कैरी कर रहे हैं सच काइंड ऑफ डिजीज. तो क्या होगा जब इनका क्रॉस होगा, तो जब जाइगोट फॉर्म करेगा सो दे माइट नॉट बी हैविंग दैट डिजीज, ठीक है, वो एक जनरेशन पे खत्म हो सकती है या फिर सिर्फ कैरियर हो सकती है और डिजीज कॉजिंग नहीं होंगे, ठीक है. सो दिस कैन बी अ चेंज इन वेरिएशन. तो वेरिएशन हमें हमेशा दूसरे फैमिली से ही मिलती है, ठीक है, दूसरे स्पीशीज से मिलेगी. क्लियर है? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में हाईली यूजफुल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड इन द रेस. क्योंकि यहाँ पे तो कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा है, तो जैसे जैसे पॉलिनेशन आगे बढ़ता जाएगा सेल्फिंग, सो दैट विल बी व्हाट, यहाँ पे जो भी यूजफुल कैरेक्टर्स हैं दोज कैन बी प्रिजर्व्ड. बट एट द टाइम ऑफ दिस क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे प्रिजर्वेशन नहीं हो सकती इन कैरेक्टर्स की, क्योंकि हमें यहाँ पे वेरिएशंस मिले जाएंगे. हर बार हमारे पास कोई नया वेरिएशन होगा, कोई नया पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, दैट कैन हैव सम डिफरेंट वेराइटीज. सो यहाँ पे हम जो पिछली रेस का है दैट कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड, ठीक है. देन कमिंग ऑन टू, दिस डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशन एंड हेंस ऑफस्प्रिंग आर अनेबल टू अडैप्ट द चेंजेस चेंज एनवायरमेंट, ठीक है. अगेन यहाँ पे क्योंकि किसी भी तरह की कोई वेरिएशंस नहीं हो रही है, तो एनवायरमेंट में यू नो चेंजेस अकर, जैसे बहुत ज़्यादा सनी है किसी दिन, ठीक है, या फिर बहुत ह्यूमिड है, बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल है, और इधर दे हैव सम सर्टेन रिजिड सिचुएशंस, सो उस केस में क्या होगा, दे कैन नॉट अडैप्ट टू दिस एनवायरमेंट. तो ये एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं अडैप्ट कर पाएंगे, इसलिए दे विल नॉट सर्वाइव. कमिंग ऑन टू द क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पे क्योंकि वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, सो यहाँ पे दिस कैन हेल्प इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग एंड दिस हेल्प देम टू अडैप्ट एनवायरमेंटल चेंजेस. अब उनके सर्वाइवल के लिए यहाँ पे ये एनवायरमेंटल चेंजेस को अडैप्ट कर सकते हैं. तो अगेन द फिटेस्ट सर्वाइवल, ठीक है, सो इस केस में दे कैन सर्वाइव इफ दे कैन अडैप्ट द चेंजेस ऑफ द एनवायरमेंट. नाउ कमिंग ऑन टू इम्यूनिटी ऑफ द रेस टूवर्ड डिजीज फॉल्स इन सक्सीडिंग प्रोजेनीज. इम्यूनिटी इज व्हाट, जैसे आजकल आपको कोरोना के लिए इम्यून करा जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको कोई डिजीज ना हो या फिर कोरोना ना हो. अब सेम केस में यहाँ पे इम्यूनिटी प्लांट्स के लिए, डिफरेंट प्लांट डिजीज के लिए होती है, ठीक है. सो जो भी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी ऑफ द रेस जो पर्टिकुलर उसकी चली आ रही है टूवर्ड्स द डिजीज फॉल्स इन द सक्सेसिव प्रोजेनीज, ठीक है, मतलब वो इम्यूनिटी कम होती जाती है जैसे जैसे रेस आगे बढ़ती जाती है. तो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए इसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी जब वो सर्टेन लेवल पे आ जाएंगे. क्लियर है? बट कमिंग ऑन टू द क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पे इम्यूनिटी ऑफ द रेस टूवर्ड्स द डिजीज इज यूजुअली मेंटेन्ड इन सक्सीडिंग प्रोजेनीज. तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वेरिएशंस होती हैं, हम हर तरह की चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, तो यहाँ पे इम्यूनिटी क्या है टूवर्ड्स द रेस, जैसे भी आगे सक्सीड होंगे तो यहाँ पे इम्यूनिटी दैट इज मेंटेन्ड, ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू यील्ड ऑफ द प्लांट ग्रेजुअली फॉल्स विद द टाइम, ठीक है. अब अगेन और क्रॉस पॉलिनेशन के केस में ईल्ड ऑफ द प्लांट यूजुअली डज नॉट फॉल, ठीक. से फॉर एग्जाम्पल एक मैंगो, होपफुली एवरीबडी लाइक्स मैंगो, ठीक है. सो एक मैंगो ट्री है, ठीक. देयर वॉज अ ईयर जहाँ पे उस पर 5-10 किलो मैंगो लगते थे, ठीक है. बट एट सर्टेन टाइम ऑफ जैसे कि मान लो कि 10 साल का एक सक्सेशन हम देखें, ठीक है, तो इस दौरान क्या हुआ, पहले जब 10 किलो लगते थे उसके बाद 7 किलो हुए, 4 किलो, 5 किलो, इस तरह मतलब कम होते गए, ठीक है. सो यहाँ पे क्या हुआ, ये यील्ड कम हो जाती है इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. बट यू आर लकी क्योंकि मैंगो के पास क्रॉस पॉलिनेशन होता है एंड यू हैव डिफरेंट वेराइटीज. सो यहाँ पे क्या होगा, यील्ड ऑफ द प्लांट यूजुअली डज नॉट फॉल, ठीक है. तो यहाँ पे हम डिफरेंट वेराइटीज को क्योंकि बनाते हैं मैंगोज में, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में उसकी यील्ड कम नहीं होती है. होपफुली इट इज क्लियर. वन मोर पॉइंट यू कैन ऐड ऑन, यहाँ पे वेरिएशन सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशन नहीं होगी और इसलिए इट इज एक्चुअली कंटेनिंग द प्योर लाइन्स, ठीक है. बट
क्रॉस पॉलिनेशन इज एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ गेटिंग दोज वेरिएशंस, ठीक है, ये एक तरीका है सारी वेरिएशंस उठाने का, ठीक है, फ्रॉम द एनवायरमेंट. क्लियर है? होपफुली इट इज क्लियर. नाउ इन दिस केस यू आर गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ पॉइंट्स टू लर्न. ठीक, सो लेट अस अगेन. अच्छा, एक मेरे पास और है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. तो लेट अस सी कि वहाँ पे क्या है. ओके, सो नाउ दीज आर द एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जहाँ पे किस टाइप से. अभी मैंने आपको बताया था कि एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. अब यहाँ पे इफ आई टॉकिंग अबाउट एनीमोफिली, तो एनीमोफिली में क्या होता है, दिस इज अगेन एन एबायोटिक, मतलब जिसके बगैर बायोटिक नहीं रह सकते. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द विंड पॉलिनेटेड. ठीक है, ये होती है विंड पॉलिनेशन. कमिंग ऑन टू हाइड्रोफिली, बाय द नेम इटसेल्फ आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज वाटर पॉलिनेशन. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ वाटर से होगी ये. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू बायोटिक एजेंट, मतलब लिविंग वाले. अब यहाँ पे है ये एंटेमोफिली, तो इट इज बाय इंसेक्ट्स. ठीक है, देन कमिंग ऑन टू जूफिली, बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन नो दिस इज थ्रू एनिमल्स. अब जूफिली में भी हमारे पास तीन टाइप है, वैसे बहुत सारे टाइप होते हैं, दीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट. ऑर्निथोफिलस, ऑर्निथोफिलस इज बेसिकली यूज पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. ठीक है, देन यू हैव कायरोप्टेरोफिलस, कायरोप्टेरोफिलस ये है, इट इज थ्रू बैट्स, पॉलिनेशन बाय बैट्स. देन कमिंग ऑन टू मेलेकोफिलस, MALACO, मेलेकोफिलस पॉलिनेशन, एंड दिस इज बाय स्नेल्स. ठीक है, स्नेल. ओके, सो दीज आर एक्चुअली द एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू द रेस्ट पार्ट. अब पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, हमारे पास क्या थे, फोर वर्ल्ड्स थे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे, पॉलिनेशन हुआ. पॉलिनेशन में भी हमने दो टाइप के पॉलिनेशन पढ़े, जहाँ पे इट वॉज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. अब यहाँ पे हमने इनके डिफरेंसेस पढ़े. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू पॉलिनेशन के बाद क्या होगा. सो इन पॉलिनेशन एक्चुअली मैंने जो आपको बताया कि कंपैटिबल जो पोलन ग्रेन होता है दैट फॉर्म्स द पोलन ट्यूब. अब ये पोलन ट्यूब विल बी गिविंग मेल गैमीट्स. ठीक है, दो गैमीट्स फॉर्म होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट. तो मेल गैमीट विल बी ट्रांसफर टू द फीमेल गैमीट यानी एग. किसके लिए? फॉर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन जैसे होगा वहां पे जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट विल बी टर्निंग टू एम्ब्रियो. नाउ इन दिस सिचुएशन द ओवरी एक्चुअली विल बी टर्निंग इनटू फ्रूट. बाकी सारी चीजें विदर ऑफ कर जाएंगी, हट जाएंगी वहां से, प्लांट में से. ठीक है, और वो फ्लावर की जगह क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा. सो अ राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट एंड द मैच्योर ओव्यूल्स आर नोन एज सीड. गेटिंग? राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट एंड द मैच्योर ओव्यूल्स आर नोन एज सीड. अब दिस सीड कैन बी यूज अगेन फॉर अनदर प्लांट फॉर जर्मिनेशन. ठीक है, तो आप इस सीड को निकाल के अगर अलग से लगाते हो एंड गिविंग ऑल दिस कंडीशंस फॉर ग्रोथ, सो दिस विल फर्दर ग्रो इन टू अ न्यू इंडिविजुअल. क्लियर है? सो दिस वॉज अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एंड थोड़ा सा पढ़ के आना. ठीक है, टिल देन टेक केयर. Thank you so much.